मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और बेटियों के साथ गलत करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को राजगढ़ जिले के खुजनेर में शहीद मनीष विश्वकर्मा की मूर्ति का अनावरण करने के बाद सभा को संबोधित कर कहे थे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री मोहन यादव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सांसद रोडमल नागर, विधायक बापू सिंह तंबर सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद विश्वकर्मा की प्रतिमा का अनावरण कर पुष्प अर्पित किए और शहीद के माता पिता को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगढ़ में विकास उनकी सरकार के दौरान ही हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले को आज ही मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। चौहान ने खुजनेर में अगले सत्र में महाविद्यालय प्रारंभ करने के अलावा नगर परिषद को 1 करोड़ विकास निधि स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने खुजनेर बाईपास के लिए सर्वे करवाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत और वार्डों में शिविर लगाकर नागरिकों को पात्रता अनुसार लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आवासहीन परिवारों को मकान के लिए जमीन दी जाएगी, भले ही सरकार को जमीन खरीद कर देना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की कोई कमी नहीं होगी। आज राजगढ़ जिले में 3 अलग अलग कार्यक्रम, 1 शहीद के चरणों में मनीष विश्वकर्मा जी के श्रद्धा सुमन अर्पित किए, दूसरे बहुत रचनात्मक काम जो धर्म और सेवा से संबंधित है, माँ बीजासन देवी, भादवा माता जी के मंदिर का भूमि पूजन, लेकिन उसके साथ साथ अनेकों प्रकल्प, शिक्षा के भी, स्वास्थ्य के भी और रोजगार के भी आकार लेंगे, और तीसरा ये मेडिकल कॉलेज की सौगात और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी थे उनके गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ। राजगढ़ जिले में प्रगति और विकास के द्वार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले, चाहे यहाँ डैम हो, चाहे यहाँ सड़कें हो, चाहे यहाँ यूपी में भी ज़्यादा सक्रिय हुए हैं, ऊर्जा की योजनाएं हो सोलर जैसी, चाहे शैक्षणिक संस्थाएं हो, हमने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है और आगे भी विकास का और जनता की सेवा का अभियान जारी रहेगा। राजगढ़ से यूडी न्यूज के लिए विजय कुमार स्वानी की रिपोर्ट।